जोहार, मैं कृष्णा गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। झारखंड में 32 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे के घर पर भी रेड। रेड पड़ने से इन लोगों के छूटे पसीने। झारखंड में ईडी ने एक बार फिर दबिश शुरू कर दी है। सुबह से रांची, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा सहित राज्य भर के 32 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। इस बीच सुबह के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे और नेक्सीजन के विजय सिंह के यहाँ भी छापा पड़ा है। मंत्री रामेश्वर उरांव की आवास के बाहर भी फोर्स तैनात है। रामेश्वर उरांव के घर के बाहर अभी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। दुमका में 5 ठिकानों पर छापेमारी। बता दें कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में यह रेड की है। इसी बीच झारखंड के बड़े शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर भी आज बुधवार की सुबह ईडी की टीम ने छापा मारा है। योगेंद्र तिवारी के दुमका के गिलानपाड़ा चौक स्थित व्यवसायिक कार्यालय टाटा शोरूम चौक पर अवस्थित तनिष्क शोरूम, खिजूरिया में तिवारी ऑटोमोबाइल व कुम्हारपाड़ा में रहने वाले उसके सहयोगी पप्पू शर्मा और अनिल सिंह के घर समेत 5 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। सभी जगहों पर ईडी की टीम 7 से 8:30 बजे के बीच पहुंची है। धनबाद में 2 जगह ईडी की रेड। धनबाद में 2 स्थानों पर ईडी की छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम ग्रेवल कॉलोनी, बेकार बांध में संतोष मंडल और एक अन्य के यहां पहुंचकर तलाशी कर रही है। दोनों व्यक्ति योगेंद्र तिवारी से जुड़े हैं। देवघर में कांग्रेस नेता के घर छापेमारी। देवघर में भी योगेंद्र तिवारी और उसके सहयोगियों के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। देवघर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष मुन्नम संजय और पंडित बीएन झा पथ स्थित अभिषेक आनंद झा के आवास पर भी ईडी की रेड चल रही है।